विश्वमित्र जी की जय। सैंडी नाश्ता ले आओ। तुम को दो। मैं आपके लिए सफेद बकरी का दूध लाई हूँ। सैंडी ये आपके लिए ताजी मूली। अरे नियम भ्रष्ट, सैंडी कहाँ मर गया तू? ये आपके लिए मरे हुए बैल की चमड़े की चप्पल। इतने सारे नरक के द्वार। सैंडी वो तो घर पर नहीं है, बाजार में मिले थे, कह रहे थे उन्हें सब कुछ दे देना। तुम सब यहाँ से निकल जाओ वरना मार मार के भुर्ता बना दूंगा। निकलो, यहाँ किसी की कोई चाल नहीं चलेगी। चलो अब, यहाँ क्या कर रहे हो? राधा गौरी तुम क्यों रो रही हो? वो जो बाबू है ना जिसने चाय का बागान खरीदा उसने हमें बहुत डांटा। क्यों? क्योंकि उसके नौकर के कहने पर हम उसकी सेवा करने गए, बदले में उसने हमें भला बुरा कहा और हमारे हाथ का छुआ खाने को तैयार नहीं। वो कहते हैं कि हम अछूत हैं। ऐसा? अछूत कहा? तुम लोग अपने अपने घर जाओ, मैं अभी उसे दिखा कर आती हूँ कि अछूत कौन है। बड़ा अपने आप को ब्रह्मचारी समझता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उन्हें यहाँ लेके आने की, जबकि तुम अच्छी तरह जानते हो कि औरत नरक का द्वार है। ऐसे हमारे गुरुजी विश्वमित्र जी कहते हैं। वाह क्या ख्याल है, लेकिन एक तुम हो जो औरत के चक्कर में लगे रहते हो क्योंकि ये तुम अपने आप को समझते क्या हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे उन लड़कियों को डांटने की? तुम क्या समझते हो इज्जत सिर्फ तुम्हारी है, हमारी नहीं है? अरे अमीर होंगे अपने घर के, यहाँ अपनी अमीरी का रोब जमाने की कोशिश की ना तो ध्यान में रखो हम भी पहाड़ की लड़कियां हैं, चीर के रख देंगे। हाँ दुश्मन बाबा इससे कह दो कि हम इसके मुंह नहीं लगना चाहते। शक्कू जी अरे इनके मुंह लगना ही कौन चाहता है? ये मुंह और मसूर की दाल। हा? मसूर की दाल भी अच्छी होती है। हाँ। कम से कम अपनी औकात तो जानती है। हाँ। इससे कहो कि अभी इसी वक्त चले जाए। शक्कू जी इनसे कह दो कि वो लड़कियां बेचारी इनकी सेवा करने के लिए आई थी और सेवा करने का ये फल देने की तहजीब इनके शहर में होंगी, यहाँ नहीं। एक चाय का बागान का खरीद लिया, अपने बाप का राज समझने लगे। शक्कू जी ठीक कहती है। इससे कहो कि इसी वक्त बाहर निकले। शक्कू जी अरे तुम क्या मुझे बाहर निकालोगे? ये हमारा इलाका है क्या समझे? ये तो हमारी मेहमान नवाजी है कि तुम्हारा इतने दिन लिहाज किया, वरना कब का बोरिया बिस्तरा बांध कर यहाँ से रवाना कर दिया होता क्या समझे? शक्कू जी आप बाहर चलिए, इनकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। प्रोफेसर साहब आपने ठीक ही कहा है, औरत नरक का द्वार है। तो ये बात है। हाँ शक्कू जी, दुष्यंत जी के माँ बाप भी परेशान है, इसीलिए तो यहाँ भेजा है। तुम फिकर मत करो शेंडी, मैंने अगर तुम्हारे दुष्यंत बाबा के दिल से औरत का ये खौफ नहीं निकाला तो मैं भी पहाड़ की बेटी नहीं, क्या समझे? नहीं नहीं आपको गलतफहमी हो रही है, मैं मुरारी लाल नहीं हूँ, मैं आपको जानता नहीं। क्या कहा? तू मुझे नहीं जानता? नहीं। मुझे भूल गया तू? राजू गायर को भूल गया? वो मीना कहाँ है? कौन मीना? जिसे लेकर तू पिछली बार यहाँ आया था, और तब मैंने ही तो कमरा दिलवाया था तुझे, और जब तेरी बीवी आई थी तो उस मीना को ले जाकर मैंने अपने कमरे में रखा था। मुरारी लाल मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। अरे शुभ शुभ शुभ, मैं मुरारी नहीं, अरे मैं तो दुष्यंत कुमार हूँ, दुष्यंत कुमार मेहरा, दुष्यंत कुमार नमस्कार। सुनो कमाल है कमाल है, वैसे राजू गाइड की याददाश्त बड़ी तेज है, वो मुरारी लाल भी बिल्कुल तुम्हारी ही तरह दिखता था, तुम कहाँ से आए हो? अरे गाइड भाई हम तो बम्बई से है। बम्बई का बाबू कोई गाइड
कोई तो नहीं रखा ना, पूछा रख लो पैसे जो जी में जरूरत नहीं भाई, हमें माफ करो। अरे माफ करो, अरे ठीक है भाई, नहीं चाहिए। अच्छा ठीक है, चलो फिर तुम्हें घुमाने ले चलते हैं। अरे घुमाने नहीं, एक काम करो भाई, ये तो बताओ ये सागर वैली टी एस्टेट का है? वो तो पहाड़ी के उस पार है, बहुत दूर है, वहाँ और कभी जाएंगे? नहीं नहीं, कभी और नहीं, हमें अभी अभी वही जाना है क्योंकि चाय का बगान देखना है खरीदने के लिए। ऐसी बात है तो फिर चलो अभी ले चलते हैं, अभी चलो। लगता है देवनंद का फैन है ये। कौन से रास्तों से ले जा रहा है बाबू? जरा संभल के चलना, इन रास्तों पे अक्सर लोग फिसल जाया करते हैं। अरे हम फिसलने वालों में से नहीं है। ऐसे बाबू एक बात मेरे समझ में नहीं आई, यहाँ अक्सर लोग प्रेमी प्रेमिका पति पत्नी एक साथ में मिलकर आते हैं और एक तुम हो जो अकेले ही चले आए हो, क्या बात है? क्योंकि ना मेरी कोई पत्नी है और ना ही प्रेमिका। मैं औरत जात से नफरत करता हूँ, औरत तो नर का द्वार है, वो तो प्यार के काबिल ही नहीं होती। नामुमकिन, न संभव। क्या बड़बड़ किया जा रहा है? मैं तुमसे नहीं अपने आप से बात कर रहा हूँ। प्यार के बगैर भी कोई जी सकता है, ये कैसे मुमकिन है? अब मुझे देख लो, मैं जिससे प्यार करता हूँ अब तक मैंने उसे बताया तक नहीं है, लेकिन मुझे कितना अच्छा लगता है उसके साथ बातें करना, उसको बस देखते रहना, उसके साथ घूमना फिरना। ओहो हो, ऐसा लगता है जैसे जिंदगी में पहले कोई कमी थी मेरे। अरे ऐसी गंदी गंदी बातें बोलकर तू मेरा धर्म भ्रष्ट कर देगा, मैं तेरे साथ नहीं चलता, नहीं चलता। मैं तो जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। अबे हंसता क्या है, चला दे मुझे। आजे जय प्रोफेसर विश्वमित्र जी की जय। अच्छा एक बात बताओ, अगर मेरी जगह कोई लड़की होती तो क्या तुम मदद ना लेते? लड़की होती तो ना। चल चल अभी जल्दी चल, तूफान आने वाला है, चल आजा आजा। अरे बच गए राजू गाइड, जब तक ये तूफान थमता है हम कुछ देर के लिए यही पनाह लेते हैं। ख्याल बुरा नहीं है, चलो चल। खुला है, जल्दी जल्दी। कैसा घर का तूफान चल रहा है? अरे घर में है कोई? कोई है? अरे भाई घर में है कोई? आवाज चल रही है, मैं दरवाजा बंद कर लेता हूँ। अरे भाई चीजें घर में छोड़ के गए हो, वरना कल भूख से मरी हुई दो लाशें मिलती। क्या देख रहे हो? ये पहाड़ी इलाका है, बारिश अब रुकने वाली नहीं। लो खाना खा लो। मुझे भूख नहीं है। श्रीमान जी खाने की कोई जात नहीं होगी। लेक्चर मत दो, तुमने लड़का बनकर मुझे बेवकूफ बनाया। और क्या करती, लड़की बन के मिलती तो तुम मुझसे बात तक ना करते। ना करता ना करूंगा, चले यहां से। भगवान ये बारिश कब रुकेगी, ये बला कब टलेगी? प्रोफेसर साहब को पता चला तो क्या सोचेंगे वो? पानी
भगवान ने पानी इसलिए बनाया कि इससे हमारी प्यास बुझे। लो अच्छा बताओ, अगर पौधों से फूल ना उगते या फूल उगते लेकिन उनमें खुशबू नहीं होती तो क्या होता? कभी सोचा नहीं और सोचना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जिसने संसार बनाया उसने हर चीज बहुत सोच समझकर बनाई है। जैसे फूल बने उनकी सुंदरता बनी, उससे खुशबू बनी, दिन बना तो रात बनी, धूप बना तो छांव बनी, आकाश बना तो धरती बनी, मर्द बना तो औरत बनी। अगर उसकी रचना को ठुकराओगे तो उसका अपमान होगा। तुमने खाना खा लिया? तुमने पूछ लिया, मेरा पेट भर गया। अभी तक उसे मालूम तक नहीं है, लेकिन मुझे कितना अच्छा लगता है उसके साथ बातें करना, उसके साथ घूमना फिरना और उसे बस देखते ही रहना। आ हा, ऐसा लगता है जैसे जिंदगी में पहले कमी थी कोई मेरे। हाँ